नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आई एनर्जाइजर की तरफ से आई एक बैकएंड प्रोसेस की हायरिंग के बारे में, क्योंकि हमारे बहुत से सब्सक्राइबर्स की ये कंप्लेन रहती है कि आप ओनली कस्टमर सपोर्ट के बारे में, वॉइस प्रोसेस के बारे में, इनके बारे में वैकेंसी लाते हैं। तो बैकएंड प्रोसेस के लिए भी वैकेंसी आपको लानी चाहिए जिसके लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है अगर आप बैकएंड प्रोसेस में अप्लाई करना चाहते हैं आई एनर्जाइजर जैसे मल्टीनेशनल वीपीओ में, तो ये वैकेंसी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आइए आपको बताते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इसके क्या क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी आपको मिलने वाली है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आइए मैं ले चलता हूँ इसके एप्लीकेशन पे और किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी आपको बता देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं आई एनर्जाइजर आरटीए एमआईएस एग्जीक्यूटिव बीपीओ एक्सपीरियंस इज अ मस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी आ रखी है जिसमें कि आपका बीपीओ में एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसके लिए सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। और फिर उसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन मैंने इस पर और भी चेक किया तो अगर मिनिमम 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको एज एन एमआईएस एग्जीक्यूटिव किसी भी बीपीओ में एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो ये बैकएंड प्रोसेस की हायरिंग है और यहाँ पे 1 से 4 लाख के बीच में आपकी पर एनम सैलरी रहने वाली है। इसका मतलब आप कह सकते हैं अप्रॉक्स 35,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है आई एनर्जाइजर कंपनी में इस पोस्ट के लिए। अब बात कर लेते हैं आपको स्किल्स क्या क्या चाहिए इसमें। स्किल्स यहाँ पे बताई गई है एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एमआईएस रिपोर्टिंग आनी चाहिए आपको, पावर पॉइंट आना चाहिए। मीन्स ये है कि अगर आप एडवांस एक्सेल का भी कोर्स कर लेते तो आप एक एमआईएस एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं किसी भी कंपनी में, एज अ फ्रेशर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं और फिर एक्सपीरियंस लेने के बाद अच्छी खासी सैलरी पे आपको हाइक मिल सकती है। तो अगर आप कोई स्टूडेंट है और अभी सोच रहे कि आपको क्या करना चाहिए, तो कोई भी डेटा साइंस का भी कोर्स कर सकते हैं, हम डेटा एनालिटिक्स का कर सकते हैं, एमआईएस का कर सकते हैं। सबसे आसान जो होता है एमआईएस का होता है एंट्री करने के लिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें टाइम एंड वेन्यू का। इसमें कोई भी आपका वर्चुअल इंटरव्यू नहीं रहने वाला है, आपको ऑफिस विजिट करके इंटरव्यू देना पड़ेगा। 8 जनवरी से, मतलब 8 जनवरी को है यहाँ पे इंटरव्यू, 12 जनवरी तक 4 दिन का, मतलब 4 दिन तक ये चलेगा वॉक इन इंटरव्यू, सुबह 11 बजे से शाम के 4:30 बजे के बीच में। आई एनर्जाइजर कंपनी है, कॉन्टैक्ट तान्या, HR का यहाँ पे नंबर भी दे रखा है नीचे, मैं आपको शो कर दूंगा। उस पर आप अपना रिज्यूमे सेंड कीजिएगा, डायरेक्टली व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस टाइम के अकॉर्डिंगली, ज़्यादा मॉर्निंग में कॉल नहीं करनी है, लेट नाइट में कॉल नहीं करनी है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिखा है आई एनर्जाइजर इज हायरिंग फॉर MIS एग्जीक्यूटिव फॉर सेक्टर 60, दिस इज अ वर्क फ्रॉम ऑफिस रोल। नोएडा सेक्टर 60 में आई एनर्जाइजर कंपनी है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस जाके काम करना पड़ेगा। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू और यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में बता दें तो अंडर ग्रेजुएट अगर आप हैं तो उसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे एटलीस्ट आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए और वो डजेंट मैटर किसी में भी हो, BA हो, BCom हो, BSc हो, कोई भी ग्रेजुएशन हो, बट ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट यहाँ पे नहीं चल पाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि आप जब भी जाते हैं तो HR से बात करके ही जाएं जब आपको कन्फर्मेशन मिल जाए, अदरवाइज आप जाते हैं वहाँ पे और आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है, मतलब आपका नाम नहीं आता है, तो सही नहीं रहेगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो भी आप खर्चा करके वहाँ पे कम्यूट करेंगे, वहाँ पे जाएंगे, तो वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप पहले जिस भी HR से कांटेक्ट करेंगे, अभी जो मैं नंबर प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे नंबर भी गिवन है, तो उनसे कंफर्म कर लेंगे, जब आप अपना रिज्यूमे भेजेंगे वो बता देंगे कि हाँ आप आ सकते हैं, आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में कि जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे क्या बताया गया है। शुड बी गुड इन एक्सेल, एडवांस एक्सेल इन फॉर्मूला, एबिलिटी टू जनरेट गुड लीड्स, क्वालिटी रिपोर्ट्स। तो जैसे कि आपको पता है अगर आपको MIS के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है तो MIS में आपको अपने सीनियर्स को रिपोर्ट बना के देनी होती है। ठीक है, कि हाँ हमारी कंपनी में ये चीज़ की चल रही है या इसमें और सुधार होना चाहिए, मतलब आपके सीनियर ने कुछ भी कहा कि मुझे बताइए कि हमारी कंपनी में इस प्रोडक्ट की लास्ट मंथ कितनी सेल हुई थी, आपने उसकी रिपोर्ट बना दी। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ की रिपोर्ट बनाने के लिए कह सकते हैं आपको डेटा के बेस पर, वो आपका एज एन MIS एग्जीक्यूटिव काम रहता है कंपनी के अंदर। और इसके अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं, आप इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं, ऑनलाइन भी कोर्सेज अवेलेबल हैं YouTube वगैरह पे, और कोर्सेरा पे भी अवेलेबल हैं, Udemy पर अवेलेबल हैं, वहाँ से ही परचेज करके कर सकते हैं। बट मैं तो रिकमेंड करूँगा आप ऑफलाइन ही लें, क्योंकि इसमें ऑनलाइन मैंने भी करके देखा उतना खास समझ में नहीं आता है, तो आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए ऑफलाइन जाके सीखना। ये सारी स्किल्स जो कि मांगी गई हैं आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी मांगी गई हैं, और BPO एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी, शुड बी ओपन टू वर्क इन 24/7। जैसे कि मल्टीनेशनल BPO है तो आपकी 24/7 में काम करने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए,
शुड बी अ गुड प्लेयर, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. प्लीज़ डू नॉट कैरी लैपटॉप. मतलब आप कह रहे हैं जैसे कि आपसे वहाँ पे कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप लैपटॉप पे करके दिखा पाएंगे, तो आपको लैपटॉप नहीं ले जाना है, ठीक है, बस रेज्यूमे के साथ जाना है. आपको लैपटॉप अपना कैरी नहीं करना है आपको ऑफिस में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए एड्रेस का, ठीक है, साफ लिखा हुआ है लैपटॉप कैरी बिल्कुल भी नहीं करना है. मैं यहाँ पे आपको ये HR का नंबर शो कर दे रहा हूँ जो कि INHR कंपनी के HR का ही नंबर है, ठीक है, इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं. और डायरेक्टली जो naukri.com पे आपको नीचे दिख रहा है यस आई एम इंटरेस्टेड, या आपके मोबाइल फ़ोन में वो अप्लाई नाउ का भी ऑप्शन दिख सकता है, उस पर क्लिक करेंगे वहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन चला जाएगा. जैसे ही आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं कि हाँ उनको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, आपको कॉल आएगी कि आप वॉक इन इंटरव्यू कर लीजिए, आ जाइए, इस तारीख को आपका इंटरव्यू है. तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहने वाला है. अगर आप भी बैकएंड प्रोसेस में जॉब चाहते हैं, MIS में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है आपके पास, तो ये जॉब वैकेंसी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाली है. और अगर आपका कोई भी दोस्त, कोई भी जानने वाला MIS मतलब बैकएंड प्रोसेस में कोई जॉब देख रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें. मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों.